गुड मॉर्निंग क्लास 9। टुडे आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 9। ठीक, क्लास 9। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ ब्लेज पालमपुर, चैप्टर 1। देखिए, एक ब्लेज है पालमपुर, ये एक इमेजिनरी ब्लेज है, हाइपोथेटिकल, इमेजिन किया हुआ, कल्पनाओं पर आधारित एक गांव है जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो ब्लेज है पालमपुर, इस गांव में ऐसा क्या स्पेशल है। ठीक है ना, तो इसमें इस चैप्टर की चलिए हम शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर में हम जान लेते हैं कि किन आस्पेक्ट पर हम जो बात करेंगे। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू मतलब हम इस चैप्टर के अंदर क्या, किन टॉपिक्स पर हम जो चर्चा करेंगे और क्या इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू। द पर्पज़ ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल ब्लेज कॉल्ड पालमपुर। अब देखिए, इस कहानी के अंदर जो कि एक गांव की कहानी है, पालमपुर नाम है इस गांव का, इस गांव में हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है इस गांव के अंदर, यानी कि किस प्रकार का जो है कार्य इस गांव में किया जाता है। ठीक है, कि क्या यहाँ पर कृषि से संबंधित काम किया जाता है या किसी और प्रकार के उद्योग भी इस गांव के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के जरिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हाइपोथेटिकल मतलब ये काल्पनिक गांव है पालमपुर, इस गांव में हम वेरियस एस्पेक्ट पर जो बात करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन को लेकर के वो क्या है। ठीक है, देखिए, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। अब देखिए, अगर बात की जाए इस गांव की, यानी कि पालमपुर की अगर बात की जाए, तो कृषि जो है यहाँ का मुख्य व्यवसाय है पालमपुर में। इसके अलावा कुछ और क्रियाविधि भी यहाँ पर उद्योगों से संबंधित या फिर कुछ और भी एक्टिविटी यहाँ पर की जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि छोटे छोटे लघु उद्योग भी हैं इस गांव में। डेयरी यानी कि दूध और दूध से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उससे संबंधित भी काम यहाँ पर किया जाता है। ट्रांसपोर्ट का काम यानी कि यातायात का जो है काम भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ साइड में आप देख सकते हैं सीन ऑफ अ ब्लेज। ठीक है, ये एक जो गांव हमने इमेजिन किया हुआ है पालमपुर, ठीक है, उस गांव की एक इमेज है यहाँ पर। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, ये जो प्रोडक्शन, ये जो उद्योग वगैरह किए जाते हैं वहाँ पर, तो इसको करने के लिए कई प्रकार के जो रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा। अब देखिए, जो प्राकृतिक सोर्स होते हैं उनके जरिए जो प्रोडक्शन किया जाता है या कुछ और भी काम किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो गांव में जो बैलगाड़ी होती है उसके माध्यम से जो है सामान या फिर लोगों को जो नज़दीकी जो गांव होते हैं या फिर जो नज़दीक के जो कस्बे या शहर होते हैं वहाँ तक जो है उन्हें पहुँचाया जाता है। ठीक है, कुछ मैन मेड आइटम्स होते हैं, कुछ लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बनाई जाती हैं,